मुंबई के कांदिवली पश्चिम लालजी पाड़ा इलाके में चार युवकों पर चार राउंड फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में एक की मृत्यु हुई है जबकि तीन युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गए जिन्हें शताब्दी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिनको गोली लगा है और गोली मारने वाला सभी आसपास के रहने वाले लोग हैं। दोनों के बीच आपस में झगड़ा हुआ था और उसी का बदला लेने के लिए कल रात में फायरिंग की गई। पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव ने भी यही बताया कि चार राउंड की फायरिंग हुई है और जिसमें तीन लोग घायल हो गए हैं। गोली मारने वाला और जिस व्यक्ति को गोली लगी है वो सभी आसपास के इलाके के हैं और दही हांडी में हुए झगड़े के कारण फायरिंग का मामला सामने आया है। एक 12:15 के आसपास एक फोन आया कि कुछ तो फायरिंग हुई है। आने के बाद पता चला कि किसी एक शख्स ने तीन लोगों के ऊपर फायरिंग की है जिसमें एक अभी जो जानकारी मिली है कि एक आदमी बहुत सीरियस है और दो लोग बेहोश हैं। ऐसे तीन लोगों को गोलियां लगी हैं। यह जो हमें अभी जानकारी मिली है सही क्या गलत क्या पता नहीं, लेकिन दही हंडी के समय आपस के झगड़े थे, आपस के झगड़े की वजह से यह जो कुछ हुआ है यह कांड हुआ है। फायरिंग में घायल हुए युवकों के नाम अंकित यादव, अविनाश दाभोलकर, मनीष गुप्ता और प्रकाश नारायण बताया जा रहा है। डीसीपी विशाल ठाकुर का कहना है कि यह फायरिंग रात 12:15 के दरमियान हुई है और जिसमें दो लोग मोटरसाइकिल से आते हैं और उसके बाद फायरिंग की इस घटना को अंजाम देते हैं। आपको बता दूं कि इस घटना में एक आदमी की मृत्यु हो गई है जबकि तीन युवक जख्मी हैं। तीनों खतरे से बाहर हैं और प्राथमिकी जांच में चार राउंड फायरिंग होने की जानकारी मिली है। फिलहाल इस मामले में अभी भी आगे की जांच जारी है। 12:15 के दरमियान कांदिवली पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में एक फायरिंग का इंसिडेंस हुआ है। उसमें दो लोग मोटरसाइकिल पे आके उन्होंने फायरिंग किया है। उसमें एक आदमी की मौत हो गई है और बाकी तीन लोग जो जख्मी है, वो बाकी तीन आउट ऑफ डेंजर है, बाकी आगे की तहकीकात चल रही है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट।